सो गाइस काइजो नंबर 8 जो कि वाकई में बहुत अच्छी सीरीज है एंड इसके सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं एंड मैंने सारे एपिसोड हिंदी में देखे हैं। अगर आपको भी देखने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं इस सीरीज के बारे में कि आपके इंपोर्टेंट टाइम को रिजर्व भी करती है कि नहीं। सो काइजो नंबर 8 सो इनके कैरेक्टर से पहले इनके यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। काइजो जो कि इनके प्लेनेट पे सर्वाइव करने वाला एक एलियन या मैं बोलूं मॉन्स्टर है जो इनके रेगुलर लाइफ में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है एंड इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी डिफेंस फोर्स है जो इन क्रिएचर को मार के लोगों को बचाती है। जहाँ ये मॉन्स्टर डे टू डे इनके प्लेनेट में और भी बढ़ते जा रहे हैं जिनके लिए डिफेंस फोर्स को और भी नई ज्वाइनिंग की जरूरत है। सो आई थिंक आपको इन काइजो मॉन्स्टर एंड इनके प्लेनेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। सो आइए बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। सो हम बात करेंगे मेन लीड कैरेक्टर्स की जो इस एनिमे सीरीज को लीड कर रहे हैं, काफका हिवीनो एंड मीना असिरो। काफका हिवीनो जो कि डिफेंस फोर्स के द्वारा मारे गए मॉन्स्टर काइजो की बॉडी को ठिकाने लगाता है। आई मीन वो साफ सफाई वाली एजेंसी से बिलोंग करता है बिकॉज वो मारे गए काइजो की बॉडी को काट के उन्हें ठिकाने लगाने का काम करता है। एंड दूसरी साइड मीना असिरो जो कि डिफेंस फोर्स की डिवीजन 3 की लीडर होती है। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीना एंड काफका जो कि बचपन के फ्रेंड होते हैं एंड ये दोनों फैसला करते हैं डिफेंस फोर्स में साथ में जाने के लिए, बट मीना जाती है डिफेंस फोर्स में एंड काफका नहीं, जिसका रीजन आपको एनिमे सीरीज देख के पता चल जाएगा। जहां काफका हिवीनो ने बहुत बार डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की है बट हर बार उसे निराशा ही मिली है। जहां वो अपने फ्रेंड रेनो चिकावा से मोटिवेट होकर डिफेंस फोर्स में वापस अप्लाई करने की कोशिश करता है। जहां एक दिन वो एक काइजो मॉन्स्टर को शाम के टाइम ठिकाने लगा रहे थे एंड उसी शाम को एक और काइजो मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक कर देता है जिस वजह से वो दोनों घायल हो जाते हैं एंड एन मौके पे डिफेंस फोर्स की टीम आके उन दोनों को बचा लेती है। जहां मीना भी आई होती है जहां काफका हिवीनो अपनी फ्रेंड हीना को देख के कंफर्म करता है कि वो डिफेंस फोर्स में वापस ट्राई करेगा। एंड वो दोनों जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो एक काइजो आके काफका हिवीनो की बॉडी में घुस जाता है एंड काफका हिवीनो उस टाइम काइजो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जहां अब काफका हिवीनो के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी एक मुक्के में उड़ा सकते हैं एंड ऑल्सो उनकी बॉडी उनके काबू में है, वो जब चाहे काइजो बन सकते हैं एंड जब चाहे वो इंसान भी बन सकते हैं। जहाँ इस चीज को सीखने में उन्हें टाइम तो लगता है बट वो सीख जाते हैं एंड वो जब भी काइजो बनते हैं तो डिफेंस फोर्स को पता चल जाता है कि कोई खतरनाक काइजो उनके प्लेनेट पे एग्जिस्ट करता है। जहाँ इस बात का पता रेनो चिकावा के अलावा किसी को भी नहीं है एंड वो उन्हें अपना मास्टर मानता है एंड वो चाहता है कि उसका मास्टर कभी भी किसी काइजो में ट्रांसफॉर्म ना हो, जिसके लिए वो डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है कि उन्हें उसके मास्टर को कभी जरूरत ना पड़े काइजो में ट्रांसफर होने। जहाँ डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन दोनों की भी सिलेक्शन हो जाती है एंड आगे आपको देखने मिलेगा कि वो किस तरह मॉन्स्टर्स को पकड़ते हैं एंड काफका हिवीनो अपने आप को मॉन्स्टर बनाने से रोक पाते हैं कि नहीं, वो सब आपको इस सीरीज में कवर होते हुए दिखेगा। जहाँ मैं बात करूँ ऑल ओवर इस वेब सीरीज के बारे में तो ये बहुत अच्छी वेब सीरीज है जहाँ आपको अच्छी खासी एक्शन कॉमेडी एंड ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं। जहाँ इस चीज को हम थोड़ा जुजुत्सु काइजन से भी रिलेट कर सकते हैं बट अगर उस चीज को छोड़ दिया जाए तो ये वेब सीरीज बाकी में बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इसके सीजन 1 के बाद मुझे इसके सीजन 2 की एक्साइटमेंट है एंड ऑल्सो यस की ये वेब सीरीज आपका वन टाइम बहुत डिजर्व करती है। सो अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्या है पॉइंट ऑफ व्यू इस वेब सीरीज को लेके एंड आप सेकंड सीजन के लिए कितने एक्साइटेड हो जरूर कमेंट करके बताना। सो और भी एक्साइटेड एनिमीज वेब सीरीज के लिए सब्सक्राइब करना बोचल वीडियो को एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना एंड और भी रिव्यूज के लिए देखते रहिए बोचल वीडियो।